एक क्यूबिकल ब्लॉक है वुड का, क्यूब है 10 बाय 10 बाय 10 का, ऑन अ साइड फ्लोट्स एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे तैर रहा है, मतलब ऊपर ऑयल। मैंने ऊपर ऑयल क्यों लिया, मुझे कैसे पता लगा ऊपर ऑयल है, क्यों? ऑयल की डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है तो वो ऊपर होता है, पानी भारी है तो वो नीचे होता है। तुम तेल वैसे भी गेर के देख लो, तेल ऊपर आएगा और पानी नीचे जाएगा, राइट? तो ऐसा तैर रहा है, ये फंस गया है ऑयल और वाटर में। और वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर विद इट्स लोअर सरफेस हॉरिजॉन्टल एंड 4 सेंटीमीटर बिलो द इंटरफेस। तो इस इंटरफेस, इंटरफेस मतलब ऑयल और वाटर का जो इंटरफेस है उसे 4 सेंटीमीटर नीचे तक है पानी में, तो 6 सेंटीमीटर ऊपर है ऑयल में। अब इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? देखो याद रखना, जब दो लिक्विड में कोई बॉडी तैरती है तो वो ऑयल भी डिस्प्लेस करेगी और वो वाटर भी डिस्प्लेस करेगी। तो क्या होगा, इसमें वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस प्लस वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, ठीक, होल वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस में क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बोलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। देखो इसका बेस एरिया क्या होगा, 10 बाय 10 का क्यूब, 10 साइड का है, क्यूब है ना, तो साइड तो सेम ही है, 10 बाय 10 एरिया, और हाइट कितनी है इसकी यहां पर 4, तो वॉल्यूम नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या बनेगा, 10 बाय 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 इंटू 4, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 इंटू जी, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है तो यहां सीजीएस रखा गया 1 इंटू जी। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो यहां पर 10 इंटू 10 इंटू 4, जो भी इसका जो बेस एरिया 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, 10 इंटू 10 एरिया है, एरिया को 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाइट से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया 10 इंटू 10 इंटू 6, क्या आ गया, ऑयल का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब मान लो अगर ये एक क्यूब है तो इतना पोर्शन है जो ऑयल में है, तो इसका छत का एरिया 10 बाय 10 है और ये हाइट 6, तो पूरा वॉल्यूम इसका आ गया और ये 4 सेंटीमीटर है, 10 बाय 10 इंटू 4। तो दिस इज वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस मीन वॉल्यूम ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है N2g, होल वेट में M into g, M निकाल लेना आंसर। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?